अरे कृष्णा, दाई मोटर टेल चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बहुत खास विशेष दिन है। आज जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं और पद्मा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। आज की जो एकादशी है उसको शयनी एकादशी या देव शयनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। तो आज की इस एकादशी के बारे में इतने सारे नाम हैं और ये इस एकादशी की क्या खासियत है ये हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो पंढरपुर, महाराष्ट्र में पंढरपुर का नाम आप सभी ने सुना होगा और आप में से बहुत सारे भक्त हैं जो पंढरपुर गए भी होंगे। तो आज के दिन में पंढरपुर, जिसको कि भू वैकुंठ भी कहते हैं, इस धरती पे ये वैकुंठ है, आज वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, आषाढ़ी एकादशी जिसको कहते हैं। और आज भगवान विट्ठल, जो कि कृष्ण ही है, विट्ठल स्वरूप में है और भगवान के भक्त आज इस एकादशी को बहुत धूमधाम से पंढरपुर में सेलिब्रेट करते हैं। और सिर्फ पंढरपुर ही नहीं, पूरे भारत में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में तिथि के अनुसार किसी जगह पे एकादशी, आषाढ़ी एकादशी कल पड़ गई और आज कोलकाता क्षेत्रों में एकादशी जो है आज है। तो इस एकादशी का जो महात्मा आता है वो भविष्य उत्तर पुराण में आता है। धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप मुझे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में कुछ बताइए। तो भगवान जो हैं उनको बताते हैं कि आपको मैं वही कथा सुनाऊंगा जो प्रश्न नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। तो कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हुए कहते हैं कि सतयुग के समय पर एक राजा थे जिनका नाम था मंधाता। तो राजा मंधाता जो थे उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्रजा जो है धर्म का पालन कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश उनके राज्य में बहुत जोर का सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है और बहुत दिनों से वृष्टि नहीं हुई। तो राजा बड़े परेशान हो जाते हैं कि भला बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वो बहुत सारे ऋषियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए सब कुछ तो ठीक से हो रहा है तो फिर बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो वहाँ पे जो ऋषि थे उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करके जब वो पता किए तो वो क्या देखते हैं कि उनके राज्य में एक शूद्र था जो कि तप कर रहा था, जो कि अनधिकृत था और वो तप कर रहा था और उसके कारण जो है वो राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। तो उनको ऋषि सुझाते हैं कि देखिए आप उस व्यक्ति का जो है तत्क्षण वध कर दीजिए और उसके वध करने से आपके राज्य में जो अकाल का समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन राजा बड़े ही दयालु थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी की भी हत्या नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप कुछ दूसरा उपाय बताइए जिससे कि समस्या को दूर किया जा सके। तभी उनको ऋषि जो है एक उपाय सुझाते हैं कि देखिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका अगर आप पालन करेंगे और आपके साथ में पूरी की पूरी प्रजा अगर पालन करेगी तो ये जो सूखा का जो संकट है, अकाल है, वो दूर हो जाएगा। तभी राजा जो है ऋषि के सुझाए गए सुझाव के अनुसार अपने समस्त प्रजाओं को, राजा, मंत्री, नागरिक सबको ये आदेश देते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का सभी भक्ति योग और मनोभाव से पालन करें और सभी को इस एकादशी का बहुत ही तत्परता के साथ में और बहुत ही भक्तिभाव के साथ में पालन करते हैं। और होता भी वही है, जैसे ही एकादशी का पारण करने का समय आता है, अगले दिन की द्वादशी में जब एकादशी खोलना होता है, उस एकादशी के बाद में उस राज्य में जो अकाल था वो अकाल दूर हो गया और तत्क्षण वहाँ पर बारिश होती है और फिर उस राज्य, मंधाता के राज्य में सब कुछ जो है, चीज़ें जो है वापस सुस्थिर हो जाती हैं। तो इस एकादशी का महात्म्य बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में बताया गया है। जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है, इसके व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, वो समस्त पापों से मुक्त होता है। और इस एकादशी का नाम देव शयनी एकादशी भी है। शयनी एकादशी इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन में भगवान विष्णु जो हैं वो शयन करने चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। देखिए भगवान का सोना हमारे सोने के से नहीं है, हम सोते हैं तो हमें कुछ होश हवास नहीं रहता कि हम कहाँ सोए हैं, क्या कर रहे हैं, राइट, हमारा नाम क्या है। लेकिन भगवान जब शयन करते हैं तो उनका शयन हमारे शयन से कम्प्लीटली अलग है। भगवान सोते सोते अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करते रहते हैं, उनके बॉडी पोर्स से, उनके रोम छिद्र से बुलबुले की भांति बहुत सारे अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। तो चूँकि आज विष्णु शयन को चले जाते हैं तो सारे देवताओं जो हैं, जो कि चूँकि यज्ञेश्वर विष्णु हैं और देवताओं को यज्ञ में यज्ञ भाग मिलता है, अब यज्ञेश्वर ही शयन करने को चले गए तो देवता क्या करेंगे। इसलिए आज से लेकर के 4 महीने तक तो कुछ भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, कुछ भी ऐसा कोई भी मांगलिक उत्सव जो है संपन्न नहीं किया जाता। और फिर जब कार्तिक मास में जब चातुर्मास समाप्त होता है, यानी कि जब प्रबोधिनी एकादशी होती है, देव उत्थान एकादशी, जिस समय सारे देवता शयन करके उठ जाते हैं, उस समय
सब फिर ये मांगलिक उत्सव जो है उसके बाद से होने चालू हो जाते हैं। तो आज के ही दिन से चातुर्मास भी चालू हो जाता है। जो चातुर्मास में 4 महीनों में हम अलग अलग चीज़ों से फास्टिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले मास में हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी साग के पत्ते रहते हैं, वो हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो आज से चातुर्मास भी स्टार्ट है। और आज चूँकि एकादशी है तो आज हमें अन्न नहीं ग्रहण करना, अन्न को छोड़ करके एकादशी के निमित्त जो प्रसाद होते हैं वो हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबों को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा।